गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे और हमने कहा था आप इनके बेस पे, सारे क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा आप उसको गेस कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था, मेटल्स ऑफ ग्रुप वन, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप सेकेंड एंड थर्टींथ ग्रुप, जैसे कि एल्युमिनियम, दे हैव लेस पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू। इनकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इनके खुद के रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, कम पॉजिटिव होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो बताइए किसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है आपको, डेफिनेटली वाटर की। अगर इनकी कम है तो वाटर की हो गई ज़्यादा। अगर वाटर की एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है तो बताइए किसका रिडक्शन पॉसिबल है, हाँ वाटर का या फिर इन मेटल्स का। डेफिनेटली वाटर की एसआरपी की वैल्यू अगर ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएंगे, तो उस केस में हमेशा वाटर का रिडक्शन होगा और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, डी ब्लॉक मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उनकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो वाटर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें किसकी, वाटर की और डी ब्लॉक मेटल्स की, तो किसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है हमें, डी ब्लॉक मेटल्स की। तो इस केस में किसका रिडक्शन पॉसिबल है, डी ब्लॉक मेटल्स की या फिर वाटर की, हाँ डी ब्लॉक मेटल्स की। तो जब मेटल्स रिड्यूस होते हैं, जब मेटल रिड्यूस होते हैं तो क्या होगा, वो एक जगह डिपॉजिट होंगे, सो दे विल गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जो एक्वस फॉर्म में आयन्स होते हैं उन डी ब्लॉक मेटल्स के, वो कैथोड पे आके क्या होने लगते हैं, कलेक्टेड होने लगते हैं, वो जमा होने लगते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ एनायंस जैसे कि F- SO42- SO32- H2O32- एंड NO3-, ये जो एनायंस हैं दे हैव लेस पॉजिटिव एसओपी वैल्यू। इनकी जो एसओपी की वैल्यू होती है, ध्यान रहे ये कौन सी वैल्यू है, एसओपी की, वो लेस पॉजिटिव होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो बताइए वाटर और इन आयन्स, इन एनायंस की एसओपी में किसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, अगर इनकी कम है तो वाटर की ज़्यादा होगी। अगर वाटर के एसओपी की वैल्यू ज़्यादा है तो कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये जो एनायंस है वो या फिर वाटर, डेफिनेटली वाटर। और वाटर के ऑक्सीडेशन से हमेशा हमें क्या मिलता है, O2 गैस मिलता है। सो इन दिस केस वी विल गेट ऑक्सीजन गैस। क्लियर है, तो चलिए आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमने किया था, आपको होमवर्क भी दिया गया था, आइए उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें पूरी चीज़ों में ना कहीं एक जगह एक्वस प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं ये सब कौन से कंपाउंड दिए गए हैं, एक्वस, ठीक है। आप कहीं पे चाहें तो उसको मेंशन कर लीजिएगा या फिर आपको ऐसे ही पता होना चाहिए क्योंकि ये जो कंडीशन दी गई थी वो एक्वस के लिए है। चलिए देखिए, अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करें, MgNO3 twice, पहले तो मैग्नीशियम को देखेंगे। आप बताइए मैग्नीशियम क्या है, ग्रुप सेकेंड से बिलोंग करता है, यानी कि इसकी एसआरपी की वैल्यू वाटर के एसआरपी की वैल्यू से कम पॉजिटिव होती है, तो फिर वाटर के एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि वो खुद वाटर खुद रिड्यूस होगा और वाटर के रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमें कैथोड पे कौन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा NO3-, हाँ ये वही एनायन है जो कि एसओपी की वैल्यू काफ़ी कम होने की वजह से खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, तो उस केस में ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है, वाटर का। अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर का ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है, आइए देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड, निकल नाइट्रेट,
जो निकिल है ये कौन से मेटल है, ये डी ब्लॉक मेटल्स है। और हमें पता है जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं उनकी एसआरपी की वैल्यू वाटर के एसआरपी की वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव होती है, यानी कि जो डी ब्लॉक मेटल्स है वो आराम से क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। तो रिडक्शन किसका पॉसिबल है, निकिल के या वाटर का? निकिल का। अगर निकिल का रिडक्शन होगा तो निकिल क्या होगा, जो एक्वस आयन में, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में है वो क्या होगा, कैथोड पे इकट्ठा होने लगेगा मेटल के फॉर्म में, यानी कि हमें क्या मिलेगा, निकिल ही मिलेगा, क्योंकि ये डी ब्लॉक है इसलिए हमें निकिल मिल रहा है। अगर ये हमारा एस ब्लॉक होता यानी कि फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप का होता तो उस ग्रुप में रहने के बाद क्या होता, यहाँ पर हमें निकिल ना मिल के क्या मिलने लगता फिर, हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप और थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी SRP की वैल्यू वाटर के SRP वैल्यू से लेस पॉजिटिव होती है, इसलिए उस केस में वाटर का रिडक्शन हो जाता है और उनकी रिडक्शन नहीं होती। जब उनका रिडक्शन नहीं होता तो वो हमें मेटल्स नहीं मिलते, हमें फिर क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? आइए फिर से ये देखिए, हमें नाइट्रेट मिल गया तो जाहिर सी बात है नाइट्रेट की जो SOP की वैल्यू है वो लेस पॉजिटिव होती है एज कम्पेयर टू वाटर, यानी कि वाटर के SOP की वैल्यू ज़्यादा है तो वाटर खुद ऑक्सीडाइज होगा और वाटर ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पास, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने पहले डिस्कस भी किए थे। हाँ, अगर नहीं भी पता है तो देखिए, ये ब्रेक होगा तो हमें क्या देगा, H प्लस आयन और सल्फेट आयन। तो देखिए जब भी आप H प्लस आयन का रिडक्शन कराने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, हमेशा आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर मान लीजिए कभी आपको, वैसे होता तो है नहीं, बट अगर कभी आपसे कोई कह दे कि इस केस में वाटर का रिडक्शन पहले होगा, अगर ऐसा वो कहते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में किसी की भी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा हो आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको एक चीज़ याद होगी, जब आप हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन का, तो इसकी एसआरपी की वैल्यू कितनी आती है, 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। जब भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, यानी कि चाहे हम उसके SOP की बात करें या SRP की, हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 0। जबकि अगर आप वाटर के SRP की वैल्यू बात करें तो नेगेटिव में आती है, तो जौन ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है 0 वाले वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, यानी कि H प्लस रिड्यूस होकर हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए सल्फेट आयन SO4 2-, मतलब इसकी SOP की वैल्यू वाटर के SOP की वैल्यू से ज़्यादा होती है, कम होती है ना, तो ऑक्सीडाइज कौन, वाटर, और वाटर का ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, यानी कि अब कंसंट्रेशन 1 मोलर से थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कर दिया गया है उस केस में। हाँ, उस केस में कैथोड पे तो अभी भी हमें हाइड्रोजन ही मिलेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एनोड पे हमें क्या मिलेगा, हाँ, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO8। आप सोच रहे होंगे सर हमें तो यही पता है कि ये आयन मिलना चाहिए H2O8 2-। अब देखिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस तो एक तो बन गया आपका H प्लस से कन्वर्ट हो गया H2, लेकिन जो वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन मिला वो क्या हो गया, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और वो कंबाइन होकर क्या बना लेगा, हाँ, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि ध्यान रखना है कब, जब हाईली कंसंट्रेटेड आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाएगा, ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है कि आपको पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड गैस मिल जाए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इस केस में ऑक्सीजन की जो SOP वैल्यू है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है मेरे पास क्वेश्चन, देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड।
हमारे पास सब ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन से देख के बताना है कि किसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस मिले। बताइए क्या वाटर के रिडक्शन से या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कह लीजिए, क्योंकि फिर बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने से बेहतर है हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बात करें, क्या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें हाइड्रोजन मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। क्या हमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से कभी क्लोरीन गैस भी मिल सकती है? नहीं, इसमें तो क्लोरीन गैस कहीं है ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन मेरा गलत है। हाँ अब माइंड काम कर रहा है, बताइए इसमें क्या क्लोरीन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए ये एक्वस दिया था ना, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें जो कि कंसंट्रेटेड भी है तो भी हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस और पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब ये बचा मेरे पास एक कॉपर क्लोराइड और एक बचा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अच्छा दोनों ही देख के आपको लग रहा होगा सर दोनों में क्लोरीन मिल सकते हैं, ध्यान रहे हम क्या कहें, मिल सकते हैं, मिलेंगे या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए अब जब हम कॉपर क्लोराइड की बात करेंगे तो यहां को मिलेगा कॉपर 2+ और एक मिलेगा हमें क्लोरीन आयन 2 टाइम ऐसे मिलेगा। अब देखिए कॉपर क्या हमारा डी ब्लॉक, यानी कि कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? हाँ जब भी हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है या फिर वो खुद मेटल डिपॉजिट होता है। हाँ मेटल डिपॉजिट होता है ना, यानी कि हमें कैथोड पे क्या मिलने वाला है? कॉपर। और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? क्लोरीन गैस। ये तो हमें भी पता है क्योंकि क्लोरीन की जो SOP की वैल्यू होगी वो वाटर की SOP की वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव होती है, यानी कि इस केस में हमें क्लोरीन ही मिलेगी। क्लियर है ना? अब हमें ये बताइए क्या ये मेरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं, मेरे क्वेश्चन में ये चीज़ साफ साफ कहा गया मुझे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो क्या कॉपर क्लोराइड मेरा आंसर हो सकता है? नहीं होगा। आप सिर्फ क्लोरीन के ऊपर नहीं भागेंगे, यानी कि यहाँ क्लोरीन मिल गया तो मेरा काम हो गया। आइए यहाँ देखते हैं सोडियम क्लोराइड पे। जब सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे देखिए आपको मिलेगा Na+ और Cl-। देखिए जो सोडियम मेटल है ये क्या फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि इसके SRP की वैल्यू वाटर के SRP से क्या होती है? कम होती है, यानी ये खुद रिड्यूस नहीं होगा। तो ये रिड्यूस कौन होगा फिर? वाटर। और उसके रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। क्लियर है? इसके रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरीन गैस। क्या और पॉसिबल है? ऑक्सीजन गैस भी पॉसिबल है, लेकिन वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तब ना वाटर की जो SOP की वैल्यू है दैट इज लेस पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द SOP वैल्यू ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? SOP वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया? कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्या मिल गया? क्लोरीन। देखिए यही कहा गया टर्म्स निकालने के लिए, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। हमारा आंसर क्या होगा? एक्वस सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। ध्यान रहे आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे, दोनों क्वेश्चन में मोर देन 1 सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं। होंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। हो सकता है इसका ऑप्शन ए सही हो, बी सही हो, सी सही हो, डी सही हो, हो सकता है चारों सही हो, या हो सकता है उनमें से कोई एक सही हो और एक सही ना हो। तो इसमें एक आंसर भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आंसर आ सकता है, आपका फर्स्ट होमवर्क और सेकेंड होमवर्क दोनों में ये चीज़ें पॉसिबल है। इसके साथ साथ हम आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एक बार कहीं पूछा हुआ है तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो ये जो कंसंट्रेशन था इसमें जो H+ के आयन्स थे, मान लीजिए अभी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ, उस केस में यहाँ पर 10 मोल H+ आयन थे, ठीक है,
अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है, अगर हाइड्रोजन गैस बन रहा है तब तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से कन्वर्ट हो रहा होगा, यही H प्लस कन्वर्ट होकर क्या बनना होगा, H2 में हो रहा होगा ना, यही H प्लस रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, H2। और ये हाइड्रोजन गैस बनने के बाद क्या हो रहा होगा, उड़ जा रहा होगा, मतलब कंटेनर से बाहर चला जा रहा होगा। तो बस आपको इसी ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर बन रहा है, सॉरी अगर इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो उस केस में इस में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, वो लगातार घट रहा होगा। एक बात, दूसरी अगर आप pH और H प्लस का रिलेशन देखें तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ, अगर किसी भी सॉल्यूशन की H प्लस की वैल्यू लगातार घट रही है तो आप कह सकते हैं कि उसकी pH की वैल्यू लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ये रिलेशन भी आपको ऐसे 10th में सब सिखाया गया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आपके ये काम आएगा, कर सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो कंपाउंड है ए और बी, ए में ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और बी में मिनिमम है, तो बताइए ए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि बी, डेफिनेटली ए क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बी क्या होगा, हमारा वीक एसिड, क्योंकि एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन पे करती है ना, तो ये तो क्लियर है। अब देखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करें तो देखिए किसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी, किसकी पीएच की वैल्यू कम होगी, हाँ इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम पीएच आएगा और इसकी पीएच की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम पीएच आएगी। अब आप यहीं से देख लीजिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ मिनिमम था तो पीएच कैसा आ गया, मैक्सिमम, यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम था लेकिन पीएच कैसा आ गया, मिनिमम। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ मिनिमम, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, या उल्टा भी बोल सकते हैं पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, कर सकते हैं। हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब आपको पता है पहले से ही, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कंसंट्रेशन का जो टर्म है उसकी पीएच से रिलेट करके आपको हो सकता है आपके क्वेश्चन में यूज करने की जरूरत पड़ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है H2NO2 गैसेस आर प्रोड्यूस एट कैथोड एंड एनोड, आपको कंडीशन दी गई है H2 गैस कहाँ मिलनी चाहिए, कैथोड पे, O2 गैस कहाँ मिलनी चाहिए, एनोड पे, और चार ऑप्शन दिए हैं आपको, तीन ही दिख रहा है, चलिए हाँ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी है। अब आप देख लेंगे इनमें से कौन कौन से, ध्यान है कौन कौन से, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनके इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही कैथोड और एनोड पे मिल सकते हैं, तो आप देख लेंगे जो मिलेंगे वो ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर, इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही होने के चांसेस होंगे, इसमें नहीं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, तो आप ध्यान से, ये नहीं कि एक आंसर मिल गया कहीं पर तब वहीं पर रुक जाएंगे, नहीं हम आगे चल के बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे क्या हो सकता है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। चलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली ये टॉपिक आपके बुक में सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन ये टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जब हम आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सिखाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में अब तक हम ये सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे किस कंपाउंड से हमें कौन सी गैस या कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, ये तो पता चल गया हमें, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है ये पता चल गया। अब हम ये करेंगे कि जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कितना मिलाने पे, कितना करने पे कितना बनेगा, यानी कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले आपको फैराडे के दो लॉ सीखने होंगे, और फैराडे के लॉ को सीखने के लिए आपको ये इक्विवेलेंट ग्राम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो पहले हम इक्विवेलेंट ग्राम क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, सब सीख लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडे लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक आप आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम। अभी देखिए आपको लास्ट क्लास में हमने आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा दिया था, याद होगा
अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एल्युमिनियम है, तो देखिए एल्युमिनियम का फॉर्मेशन कैसा होता है। एल्युमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस एल्युमिनियम सॉलिड। हाँ, ये रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम आयन दिया गया है। इस केस में देखिए पहले हमें क्या निकालना होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देख के बता सकते हैं कितना आएगा, 3 आएगा। जब हमें एन फैक्टर लिखना होता है तो एन फैक्टर में हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं। किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट से। इसका कोफिशियंट कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं यानी कि 1 होगा। तो 3/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि इसका एन फैक्टर भी 3। ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए नहीं निकालेंगे। एल्युमिनियम के लिए देखते हैं, एन फैक्टर की वैल्यू 3/, इसका कोफिशियंट भी कितना है, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 3। एन फैक्टर निकालने आ गया, कर सकते हैं। चलिए अब इक्विवेलेंट ग्राम, अब अगर हम इक्विवेलेंट ग्राम या इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, तीनों नाम हो सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट ग्राम या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमसे कोई पूछे तो हम बोलते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मेरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें से आप चाहे हाइड्रोजन आयन को ले लीजिए या सल्फेट आयन को, आप किसी एक को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन आयन को सिलेक्ट किए तो आप लिखेंगे H प्लस, कितने हैं, 2 है ना, तो 2H प्लस। अब बताइए ये हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस। अब बताइए यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 पे कितने हो गए, 2 पॉजिटिव, तो हमें क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, और हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आपको पहले से बैलेंस करना सीख रखे हैं वहाँ से देख लेंगे। तीसरा एक और तरीका हो सकता है, क्या, देखिए एक H प्लस का मतलब हाइड्रोजन में एक एटम, सॉरी हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन कम है। 2H प्लस का मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब आपकी जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो खत्म हो गई, यानी कि अब हाइड्रोजन के पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉन है और वो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ये भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मिल गया कितना, 2। हम इसके एन फैक्टर निकाल लेंगे, तो बताइए एन फैक्टर कितना आएगा हाइड्रोजन गैस का, एन कितना हमारा, 2 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट तो कुछ है ही नहीं यानी कि 1, तो फिर 2/1 यानी कि 2 आ गया। इसका एन फैक्टर ये है। लेकिन हमें जब इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ना इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, हमारे केमिस्ट्री के टर्म में वेट और मास हम दोनों को सेम लेके चलते हैं जबकि होते नहीं है, पता है। चले आइए फॉर्मूला क्या बनता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो देखिए मोलर मास निकाल लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोजन के 2 एटम यानी कि 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 64, सब ऐड करके निकालेंगे देखिए 98 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना हमारा, 2, सॉल्व कर देंगे देखिए कितना आ जाएगा, 49 ग्राम। ये है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ रही है, क्या करना है ध्यान समझिए, पहला आपको एन फैक्टर निकाल लेना है, फिर मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। एन फैक्टर निकालने के लिए आप चाहे हाइड्रोजन वाले आयन को यानी कैटायन को कंसीडर कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो एन आयन यानी कि सल्फेट आयन को भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए देखिए दूसरा कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। अगर आप मान लीजिए सल्फेट आयन लेते, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन कराना है और आपको चाहिए सल्फेट SO4, ठीक है। अगर आपको SO4 चाहिए तो ये हाँ देखिए कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, यानी कि आपको क्या करना होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और कम करने पड़ेंगे। 2 नेगेटिव है, उसमें से 2 नेगेटिव और निकाल लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। या फिर हम अगर अपनी
इक्वेशन की बात करें लिखने के तरीके को, हम क्या करते हैं इस दो इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर ले आते हैं, आते हैं ना, ये तो बैलेंस करना आता ही आपको। यहाँ से देखिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना मिल गया आपको, 2n फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करते हैं n फैक्टर, तो देखिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस सल्फेट आयन के आगे कोई नंबर है क्या, हाँ वन है जो छिपा हुआ है, तो टू को वन से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि n फैक्टर फिर भी क्या आएगा, टू ही आएगा। फिर से आप चाहें तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगाइए, मोलर मास 98 डिवाइडेड बाई n फैक्टर यानी कि 2, फिर से कितना आ गया वो 49 ही आ जाएगा। चलिए परेशान नहीं होइए, अभी एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 49 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास HCl, आप एक बार इसको ट्राई करें, वीडियो पॉज करके बिल्कुल ट्राई करें, आइए डिस्कस करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, n फैक्टर। n फैक्टर के लिए इसमें से कोई एक आयन को हम कंसिडर कर लेंगे, मान लें हमने H प्लस ले लिया, हमें H प्लस को सिर्फ क्या बनाना है, H बनाना है। तो बताइए ये क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेगा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर हाइड्रोजन तो H फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस, तो यानी कि वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके दो एटम है हाइड्रोजन के, तो यहाँ भी आपको 2 लगना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे, 2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लेने पड़ेंगे आपको, 2, सही है। आप बताइए इसके लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वैल्यू कितनी आई, 2। अब हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बताइए n फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को डिवाइड करना होता किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इसका कोएफिशिएंट कितना है, हाँ इस बार 1 नहीं है, इस बार कितना है, 2। तो आपने इसको 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया आपको, 1। ये है आप n फैक्टर, आपको तो निकालना था इक्विवेलेंट वेट, तो आप लिखेंगे मोलर मास, HCl का मोलर मास देखिए 36.5 आएगा, हाँ ना, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, यानी कि 36.5 डिवाइडेड बाई n फैक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1, और वो वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 36.5। देखिए आ गया 36.5 ग्राम, कर सकते हैं। अब क्लोरीन के लिए भी करते हैं तो वही चीज़ आती, आप करके ट्राई कर लीजिएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करें H3PO4, हाँ यहाँ पे n फैक्टर दिया है लेकिन आपको n फैक्टर निकालने आना चाहिए, तो आप एक बार ट्राई करें, आप कर सकते हैं। चलिए कर लिया होगा आपने, आइए देखते हैं H3PO4। अब आप चाहें तो इसमें से किसी एक को कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए अगर आपने हाइड्रोजन को कंसीडर किया, ठीक है, तो H प्लस चेंजेस टू H2 करना होगा, यहाँ पे 3 थे यहाँ 3 कर लीजिए, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप इनको बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। और बताइए यहाँ पे अगर 6 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे ना, तो यहाँ से देखिए हम n फैक्टर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है n नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी कि 6 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, एक मिनट, हाँ इसका कोएफिशिएंट 6 है, ओहो 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि कितना आ गया, 1। आपको एक H के लिए 1 आ रहा है, इसमें टोटल कितने H है, 3, तो आपको क्या करना होगा, 1 × 3 करके इसको कैलकुलेट करना होगा, n फैक्टर कितना आ जाएगा, 3। एक ये तरीका हो गया। अब मान लीजिए अगर हम फॉस्फेट से करें तो कितना आएगा, तो देखिए जब आप फॉस्फेट की बात करेंगे तो PO43- होता है, यानी कि ये क्या करेगा, फॉस्फेट बनाने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करेगा ना, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखिए कितना है, 3 है। n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 3 को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1, कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया, 3, कर सकते हैं। चलिए
अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो और भी इसके आप दो तरीके हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि H3 है ना, तो आप H+ को सिंपल सा H3 में बस कन्वर्ट करिए। हाँ, ये बात आपको भी पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आप बस वैसे ही कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करने वाला झमेला नहीं रहेगा। तो बताइए, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब हम ये बात करें कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन को क्या सॉर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब हम H3PO4 लिखेंगे, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि एक हाइड्रोजन पर कितने एटम होते हैं। हाँ सर, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस चार्ज आ सकता है, तो तीन पे कितने आ जाएंगे, 3, यानी कि इसका n फैक्टर 3 आ जाएगा। ये मोर देन 99% केस में ट्रू है, यानी कि आप ऐसे देख के बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी देख के बता सकते हैं। सर फॉस्फेट पे 3 माइनस चार्ज आता है, यानी कि इसकी n फैक्टर कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे देखिए, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात किए थे तो बताइए फटाफट, हाँ हाइड्रोजन की एक पर एक प्लस चार्ज आएगा, दो पे कितना हो जाएंगे, 2 प्लस, यानी कि इसका n फैक्टर कितना आ गया, 2। HCl का बताइए ऐसे ही, हाँ n फैक्टर 1। तो एक तो हम आपको एग्जैक्ट तरीका बताएं n फैक्टर कैलकुलेट करने का, दूसरा ये शॉर्ट वे है जो कि आपको ये यूज करने आना चाहिए। चले आइए देखते हैं अब। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट मास तो कैलकुलेट ही नहीं किया हम लोग, लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास ऑफ H3PO4। तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 हो गए ना, तो 3 हो गया, फास्फोरस, हाँ फास्फोरस कितना होता है, 31, ऑक्सीजन 64, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 64, 31, 95 एंड 3, 98, मोलर मास आ गया 98 अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आया था हमारा, 3। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सही है, 98.3 ग्राम, 98/3 ग्राम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप खुद से ट्राई करें, देखिए कर पाते हैं या नहीं। पहला आप हमें देख के बताइए कि आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप सिर्फ देख के बता सकते हैं इसे एन फैक्टर कितना आएगा। हाँ, आप बताइए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो, और कितने एटम है उसके, सिर्फ एक ही है, यानी कि एन फैक्टर से कितना आ गया, 2। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख ले, मैग्नीशियम आयन Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सॉलिड। अब देखिए यहाँ से n फैक्टर के लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना, 2 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट n फैक्टर देख के लिख दिया करेंगे। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हो गया 24 और हाइड्रोक्साइड होता है 17, उसके 2 है तो 34, 24 एंड 34 कितना हो गया, 58 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना आया था, 2, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 29 ग्राम। देखिए 29 ग्राम, सुन में आ रहा है। चलाइए नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। देखिए इसका एन फैक्टर देख के बता सकते हैं, हाँ पोटेशियम पे कितना प्लस चार्ज आ सकता है, मैक्सिमम 1, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। इक्विवेलेंट वेट, एक चीज और, जब भी आपका एन फैक्टर 1 आएगा तब इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास को इक्वल लिख सकते हैं, वो हमेशा इक्वल ही आएगा। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास, देखिए पोटेशियम का 39, हाइड्रोजन का 140 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 56 अपॉन, हाँ अपॉन क्या लिखेंगे, एन फैक्टर, यानी कि 1। अच्छा, इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आपका जो इक्विवेलेंट वेट है वो मोलर मास के ही इक्वल आएगा, जब भी आपका एन फैक्टर 1 आ जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी आंसर कितना आ गया, 56 ग्राम। देखिए आंसर आ गया 56 ग्राम। नेक्स्ट मेरे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बताइए इसका एन फैक्टर कितना आएगा? वेरी गुड, 3 आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? 3। या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी देख लेंगे, हाइड्रोक्साइड पे एक सिंगल चार्ज आता है, सिंगल नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड को कितने टाइम्स लिखा गया है यहाँ पर? 3 टाइम्स, यानी कि एक नेगेटिव में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 नेगेटिव, यानी कि एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो बस इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम देखिए 27 और ये होता है 17 × 3 = 51, 27, 28 and 5, हाँ 78 अपॉन कितना एन फैक्टर? 3। डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 26 ग्राम आ जाएगा। क्या हो गया देखिए, आंसर आ गया आपका 26 ग्राम। कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम, देखिए कैसे। अब हम क्या सीख गए? अब हम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। अब हमसे पूछेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, हाँ अब क्या पूछेगा हमसे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या हमसे एक चीज और पूछ सकता है, देखिए क्या है वो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी जो ग्राम इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके क्या नंबर होंगे? इक्विवेलेंट्स। तो देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना, ठीक है। अब हम इसी को रिलेट करेंगे, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हम ग्राम इक्विवेलेंट कहें या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहें, एक ही बात कही जा रही है। अब तो ये चीज़ इससे कहीं कहीं मैच कर रही है, क्या डिफरेंस क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो यहाँ गिवन मास लिखा आपने, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? गिवन मास। अब बताइए, जब हम मोल्स निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पे कौन सी मास लिया है? मोलर मास। ध्यान समझिएगा, जब हमें मोल्स निकालना था तो हमने क्या लिया? मोलर मास। जब हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हम यहाँ पे कौन सा मास लेंगे? हाँ, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, सही है, याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास, क्योंकि मोल निकाल रहे थे तो मास कौन सा लिए हम? मोलर मास। अब हम क्योंकि यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं इसलिए हम कौन सा मास लेंगे? इक्विवेलेंट ग्राम या इक्विवेलेंट मास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स इन द फॉलोइंग, यानी कि सारे क्वेश्चंस में हमें ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालना है। पहला है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, गिवन मास अपॉन, क्योंकि हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो मास कौन सा लेंगे? हाँ, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, जो भी है। अब देखिए गिवन मास आपको दिया है कितना? 20 ग्राम आपने रख लिया। अब आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब बताइए इक्विवेलेंट वेट या मास कैसे निकालते हैं हम लोग? हाँ, मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास देख लीजिए 40 आएगा, हाँ सही है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब बताइए इस क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि सोडियम पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? +1, या फिर हाइड्रोक्साइड पे ही मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? -1। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आ गया? 40। अब हम इस वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे, यानी ये क्या लिख देंगे हम? 20 अपॉन 40, इसको सॉल्व कर देंगे, आ गया 0.5। क्लियर है?
देखिए आंसर मैच कर लीजिए। जीरो पॉइंट फाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 147 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन क्या है 147 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। आपको करना क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। फटाफट करिए। चलिए हम ट्राई करें अब IMH3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बताइए। गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास या वेट। गिवेन मास आपको दिया है 197 ग्राम। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो निकाल लीजिए, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड आप देख के बता सकते हैं इसका एन फैक्टर कितना आएगा। हाँ कितना आएगा, 2 आएगा। हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, 2 है तो टोटल 2 प्लस चार्ज, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप सल्फेट में देखिए तो कितना चार्ज होता है, 2 माइनस का, तो एन फैक्टर 2 आ गया। अभी हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। फॉर्मूला तो ये क्या होता है, मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करके देख लीजिए, 98 आएगा। डिवाइडेड बाई एन फैक्टर यानी कि 2, डिवाइड कर देंगे कितना आ गया, 49 ग्राम। इस वैल्यू को उठा के पीछे रख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए 3 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया कितना, 3। देखिए आंसर आ गया 3। कर सकते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। 196 ग्राम H3PO4 फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्या होता है, गिवन मास कितना दिया है 196 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हाँ सिंपल था, मोलर मास। तो देखिए H3PO4 का मोलर मास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन 3 फॉस्फोरस 31 34 एंड 64 98 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बताइए H3PO4 का एन फैक्टर कितना आएगा, 3। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 98/3। अच्छा ये नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, बन जाएगा 196/3/98। ध्यान से देखिए ये दो बार में कैंसिल कर देगा, फिर क्या हो गया, 2 3 6, यानी कि आंसर आ गया आपका 6। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब उम्मीद है आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कर सकते हैं अब। चलिए इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आप सीख लें। HTP इससे पहले भी बात हो चुकी है बट फिर भी देख लीजिए। HTP के दो कंडीशन होते हैं, एक होता है ओल्ड कन्वेंशन यानी जो पहले चलता था, और एक होता है न्यू कन्वेंशन जो कि अब चल रहा है। पहले क्या होता था, ये होता था 180 एंड 273 केल्विन। हाँ ये फिक्स था। जब हम इस कंडीशन पे बात करेंगे यानी कि 180 प्रेशर रखेंगे और 273 केल्विन टेम्परेचर, तो हम उसे क्या कहते थे, 1 HTP। 1 HTP पे अगर किसी का मोलर वैल्यू पूछा जाए तो वो वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 22.4 लीटर। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि मेरे पास 1 मोल क्लोरीन गैस है, कितना, 1 मोल क्लोरीन गैस है, वो भी कितना, 180 प्रेशर और 273 केल्विन पे, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, दैट विल बी 22.4 लीटर। चाहे हम क्लोरीन ले ले, फ्लोरीन ले ले, ब्रोमीन ले ले, ब्रोमीन तो लिक्विड है, कोई भी आप गैस लीजिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबकी 1 मोल ओल्ड कन्वेंशन पे यानी कि 180 और 273 कंडीशन पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगी, दैट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज 22.4 लीटर, ठीक है। अब अगर न्यू कन्वेंशन पे बात करें तो इसको भी HTP ही कहा जाता है, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब यहाँ पर हम प्रेशर जो लेते हैं वो 1 बार लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 बार।
टेम्परेचर अब फिक्स नहीं है, बस ये कहा जाता है कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो, चाहे वो 273 हो चाहे कुछ भी हो, बस टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इस केस में जो एक मोल गैस की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होती है दैट विल बी इक्वल टू 22.7 लीटर, वो क्या होती है 22.7 लीटर। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार आपको मोल्स दे के आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है, तो आपको कंडीशन देखने आनी चाहिए। अगर सिर्फ एचटीपी लिखा है तो आप 22.4 लीटर वाली कंडीशन लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें मेंशन कर दिया है कि 1 bar और कोई एक फिक्स टेम्परेचर है तो आप उस कंडीशन में क्या लेंगे 22.7 लीटर, क्लियर है। हाँ, जब भी आपको 1 bar दिख गया तो आपको 22.7 लीटर लेना है। ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 mole गैस, और ये भी क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 mole गैस बट एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ये चीज कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, आइए क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें भी पहले वही कीवर्ड सीखना था हमें, जो कि आप मैक्सिमम सीख भी गए और आपको याद भी हो गया। बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किधर गया ये, पहले आप इसको देखिए फिर इसको देखिएगा, बाद में इसको रिसर्च करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, हाँ, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, सीख चुके हैं। अब देखिए ये इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने हमें आता ही है, आराम से अब हम कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी लिखी हुई है, देखिए समझ में आ गया होगा अब आपको, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हम 1 कर दें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, मास और इक्विवेलेंट मास दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि मास और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। आइए, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, जैसे चार्ज ऑफ 1 electron 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अब से चार्ज ऑफ 1 mole electrons, अब देखिए 1 mole में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Na के बराबर, और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10^23। अब देखिए 1 electron का चार्ज इतना है, तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग, ध्यान रहे ये सिंबल एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 96,500 कूलम के आसपास आएगा। हाँ, और ये वैल्यू कितनी होती है, 1 farad की इक्वल होती है, ये बात आपको समझ में आ रही है, कर सकते हैं। चले आगे देखिए, तब फिर अब बताइए अगर चार्ज ऑफ 1 mole electron 1 farad आ रहा है तो चार्ज ऑफ 2 mole electron कितना हो जाएगा, 2 farad के इक्वल, चार्ज ऑफ 5 mole electrons 5 farad के इक्वल, क्लियर है ना। अब मान लीजिए मेरे पास सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन रिड्यूस होके क्या बन रहा है, सोडियम मेटल बना रहा है। मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में बताइए, यहाँ पर अगर हम कहें कि 1 mole सोडियम आयन हमारे पास है, ठीक है, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जना होगा, वो भी 1 mole electron के इक्वल, यानी कि 1 mole electron का मतलब हम कितना कह रहे हैं, 1 farad चार्ज। तो बताइए मुझे कितना सोडियम सॉलिड मिलेगा, वो भी 1 mole सोडियम सॉलिड ही मिलेगा, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस से 1 mole सोडियम मेटल चाहिए, ठीक है, कैथोड पे डिपोजिटेड, तो उसके लिए मुझे 1 farad चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए अगर मेरे पास कॉपर होता तो कॉपर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, कॉपर 2+ में, तो वो क्या करेगा, 2 electron लेगा तब कॉपर सॉलिड देगा हमें। तो बताइए 2 electron यानी कि 2 mole की बात हो रही है, 2 mole electrons का चार्ज कितना होता है, 2 farad के इक्वल होता है, अभी हमने देखा था ना
वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे। यानी कि अगर मुझे 1 मोल, ध्यान रहे, अगर मुझे 1 मोल कॉपर चाहिए डिपॉजिटेड, तो उसके लिए मुझे, हाँ, उसके लिए मुझे 2 फैराडे चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चले, अच्छा, यहाँ पे एन फैक्टर भी आपको निकाल के दिखाया गया है। वैसे अब तो आपको निकालने आ ही गया है, पर फिर भी देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है? 2। तो एन फैक्टर कैसे निकलता है? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाई द, हाँ, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट। इसका कोफिशियंट बताइए कितना है? कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी कि इसका एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। कर सकते हैं? चलिए, ये तो कहते हैं सर कि हम तो यहाँ से भी देख के बता सकते थे, कॉपर पे कितना चार्ज है? 2+। सिंपल, एन फैक्टर पे कितना आ गया? 2 आ जाएगा। अब देखिए, वहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑन पासिंग 2 फैराडे चार्ज, कितना? जब मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूँगा, तो मुझे बताइए कितना कितना मोल मुझे कॉपर मिलेगा? 1 मोल। देखिए, जब 2 फैराडे चार्ज मैंने सप्लाई किया, तो मुझे 1 मोल कॉपर मिला। अच्छा, 1 मोल कॉपर का मास कितना हो गया? इसके मोलर मास के बराबर, यानी कि 63.5 ग्राम। हाँ, कॉपर का मोलर मास कितना होता है? 63.5 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 फैराडे चार्ज जब हम पास कराएंगे, तो मुझे कितना मिलेगा? 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। कह सकते हैं या नहीं? अगर हमसे कोई पूछ ले, बताइए 1 फैराडे चार्ज अगर हम पास कराते, तो मुझे कितना मिलता? सिंपल है, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम, इतना कॉपर मुझे मिलता। कर सकते हैं? आइए, तो देखिए, कॉपर डिपॉजिटेड यानी कि 1 मोल हो गया, यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर। तो आप बताइए, 1 फैराडे चार्ज सप्लाई करने पे कितना मिलता? 63.5 बाई 2 ग्राम कॉपर। अब यहीं पे हमें जो रिलेशन हमने सीखा, उसको यूज करना है। यहाँ से तो हमने निकाल लिया कि 1 फैराडे चार्ज सप्लाई करने पे मुझे इतना ग्राम कॉपर लगेगा। अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालते हैं। क्या करेंगे हम? इक्विवेलेंट मास पहले निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। तो बताइए, अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकालें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना होता है कॉपर का? 63.5 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, अभी पीछे निकाले थे हम लोग, कितना आया था? 2। ध्यान से देखिए, तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है क्या? ध्यान से देखिए, ये भी 63.5 बाई 2 आ रहा है, और ये भी 63.5 बाई 2 आ रहा है। चले आगे देखिए क्या दिया है, जो कि किसके इक्वल है? मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल है। किसके इक्वल होगा? मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखी गई है, इनको आप डबल स्टार दे दीजिए। ऐसे नहीं, ये डिजर्व करते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। देखिए क्या है, पहला, ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, जब भी हम 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे, तो मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस मिलेगा, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर वो रिड्यूस हो जाए। कैसे पता चला? अभी हमने ऊपर किया था, देखिए, हमने जब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया, तो वो भी कितना आया? 63.5 बाई 2, और ऊपर से भी कितना आया था? 63.5 बाई 2। और अभी पीछे रिलेशन हमने आपको बताया, हाँ, देखिए, अगर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों सेम आ रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कितना हो जाता है? 1 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो देखिए, अब हम यहाँ से एक जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे। ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस में 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे, तो
तो मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के सब्सटेंस का या तो ऑक्सीडेशन देखने को मिल सकता है या फिर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का ही रिडक्शन देखने को मिल सकता है, कुछ और वैल्यू नहीं आएगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन। अगर हम उसका इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम के इक्वल ही आएगा। कर सकते हैं, चलिए ये आपको एज दिस एज इट इज जैसे ये दिया है स्टेटमेंट वैसे ही याद रखना है। दूसरा, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ये इक्विवेलेंट है ना, आप उसको कंप्लीट लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर आपको ये बता दिया गया कि कितना ऑक्सीडेशन हुआ, कितना इक्विवेलेंट, तो आप रिडक्शन का भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना उधर ऑक्सीडाइज हुआ होगा उतना यहाँ पर रिडक्शन हुआ होगा, यानी कि एनोड पर जितना ऑक्सीडेशन हुआ कैथोड पर उतना ही रिडक्शन हुआ, यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। देखिए इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एट एनोड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड एट द कैथोड, यानी कि एनोड पे जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज होगा कैथोड पे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक और हम फॉर्मूला बनाएंगे किसका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास से। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो मेरे काम आएगा। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए अब देखिए मास को हम क्या लिख सकते हैं, एम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। हमने देखिए यहाँ क्या लिख दिया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एक्चुअली ये एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, अपॉन का अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, मास इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास बन जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए तो ये किसी का फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास, हाँ किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का। तो क्या हम इन सबको हटा के एन लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स, ये तो मोल्स बन गया और क्या बचा यहाँ पर, एन फैक्टर। कर सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हमने लिख दिया, क्योंकि एन फैक्टर मोलर मास के भी अपॉन में है तो वो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचा, सिर्फ मोलर मास। फिर हमने देखा कि मास अपॉन मोलर मास को तो हम मोल्स लिख सकते हैं, तो हमने इसको हटा के क्या लिख दिया, मोल्स, और एन फैक्टर को इसे कॉपी कर लिया, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, दैट इज मोल्स इंटू एन फैक्टर। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आएगी, नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। आइए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस, हमें क्लोरीन गैस की वॉल्यूम निकालनी है, इवॉल्व्ड एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। ये कौन से कन्वेंशन है, HTP की ओल्ड कन्वेंशन है, 1 ATM है ना, यानी कि उसके लिए मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक मोल कोई भी गैस हो, चाहे वो क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नियोन हो, कुछ भी हो, अगर वो गैस है और 1 मोल है तो उसके द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा, वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। कर सकते हैं, चलिए आगे दिया है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब ये कह रहा है कि अगर आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या कराया है, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस, तो बताइए उससे क्लोरीन गैस मिली, आपको बताना वो क्लोरीन गैस कितना लीटर बना होगा, एक बात वो आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा वो कह रहा है कि जब मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया तो उसमें हमें मैग्नीशियम मिला और वो मैग्नीशियम कितना मिला, मुझे 36 ग्राम के इक्वल मिला, सही है, यानी कि एक डिटेल दिया है जो कैथोड पे हुआ, यानी कैथोड पे कितना रिडक्शन हुआ है, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और एनोड पे, हाँ एनोड पे जो क्लोरीन गैस बन रही है वो कितनी निकली होगी वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा, सर अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का वो कराएं
अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नीशियम तो मेटल है सेकेंड ग्रुप से, यानी कि हमें यहाँ मिलेगा हाइड्रोजन गैस, तो इसमें मैग्नीशियम गैस मैग्नीशियम कैसे दे दिया? आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन में कहीं भी ये एक्वस नहीं लिखा हुआ है। हाँ, जब मैग्नीशियम क्लोराइड का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो कब यूज करते हैं, एक्वस केस में ना, तो फिर ये कौन सा केस है? ये मोल्टेन केस है। दिस इज द केस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन द मोल्टेन फॉर्म। ये आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको गेस करना होगा। अगर एक्वस लिख दिया है तो भाई आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। अगर वो नहीं लिखा है यानी कि मोल्टेन है, और मोल्टेन में मैग्नीशियम क्लोराइड से हमेशा आपको मैग्नीशियम और क्लोरीन ही मिलेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का अगर मोल्टेन फॉर्म लेंगे तो आपको सोडियम और क्लोरीन दोनों ही मिलेंगे, न कि आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब चलिए, वो केस कब होता था? सिर्फ एक्वस के लिए। तो आइए देखिए, आपने क्या कर दिया, रिएक्शन लिख ली। रिएक्शन हमने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मुझे इक्विवेलेंट मास निकालने में दिक्कत ना हो। वैसे भी आप देख के ही बता सकते थे, मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, बिना कैलकुलेट किए बताइए। हाँ, कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो ये यहाँ से भी कैलकुलेट करके 2 ही लाया गया होगा। अब हमें क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। हाँ, यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना आएगा, मैग्नीशियम का निकाला है ना, तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना आता है, 24 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर यानी कि 2, कितना आ गया, 12। ये क्या मिल गया हमें, इक्विवेलेंट वेट मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो वो कैसे निकालते हैं, दैट वी कैलकुलेट फ्रॉम गिवन मास। बताइए हमारे क्वेश्चन में मैग्नीशियम का कितना मास दिया है, 36 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास या इक्विवेलेंट मास। हाँ, इक्विवेलेंट मास, वो कितना आया मेरा, 12, उसको डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आ गया, 3। क्लियर है, ये 3 क्या है हमारा, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। और मुझे एक चीज़ पता है कि कैथोड पे जितना ग्राम इक्विवेलेंट रिडक्शन होगा, एनोड पे उतने ही ग्राम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, होता है ना। तो अभी आपको मालूम चल गया कितना हो रहा है आपके पास, 3, यानी कि कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो कितना है, 3 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो बताइए एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो भी कितना रहा होगा, 3 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। यही तो हमारा था सेकेंड पॉइंट, जो नोट पॉइंट हमने लिखा था वहाँ पर हमने देखा था कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज होता है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो आइए उसी स्टेटमेंट का यूज करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस। तब देखिए ऑक्सीडाइज का तो हमें निकालना है, रिड्यूस का मुझे पता है कितना है, 3। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एट एनोड। यानी कि जब हम ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं तो दो फॉर्मूला हमने सीखा, एक तो फॉर्मूला हमने पहले सीख लिया था, लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो हमने सीखा वो बड़ी काम का था। क्या था वो, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स किसके होंगे, जो एनोड पे बन रहा होगा, एनोड पे क्या बन रही है, क्लोरीन गैस, यानी कि मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की वैल्यू आपको पता है, क्लोरीन गैस है ना, किधर गया, यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए जो क्लोरीन आयन है वो क्या हो रही है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आ गया, 2। एन फैक्टर भी आप देख लेंगे, कर सकते हैं। देखिए n फैक्टर आपको कितना मिल जाएगा, दैट विल बी 2। अगर आपको यहाँ से नहीं मिला था, पहले ही कैलकुलेट किए थे, कहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड में आपने देखा था इसका +2 आया था, यानी कि यही n फैक्टर दोनों के लिए था। अगर आपको वैसे भी नहीं मिल रहा है तो आप क्लोरीन को ऐसे देख लीजिए, क्लोरीन के एक एटम पे कितना चार्ज होगा, -1। तो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है ना आपके क्लोराइड में, तो टोटल कितना होगा, 2-, यानी कि 2 n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो बस यहाँ देखिए मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू एन फैक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2।
अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा और ये सॉल्व होकर कितना मिलेगा हमें 1.5 मोल्स। अब देखिए अगर आपको मोल्स पता है क्लोरीन के तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये 1 एटीएम पे बात हो रही है तो एक मोल का वॉल्यूम कितना था 22.4, तो 1.5 मोल का कितना हो जाएगा 1.5 × 22.4 और उसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 33.6 लीटर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, कर सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत डाउट रही हो तो क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा था, ये रिलेशन हमें पता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है उतने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे रिड्यूस होता है, तो मुझे पता था, हमने उस रिलेशन को लिखा और मुझे पता है कि कैथोड पे कितना ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस हुआ, कितना हुआ था वो 3, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है क्या? नहीं, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसीलिए हम आपको पहले कैलकुलेट करना सिखाए थे, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया। अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, हाँ एक फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, या दूसरा फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एम फैक्टर, हमने वो वाला फॉर्मूला यूज किया जो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर है। यहाँ से एन फैक्टर मुझे पहले से ही पता था 2 होगा, उसको हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। अगर आपको मोल्स ऑफ क्लोरीन मिल गया तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते थे, हाँ मल्टीप्लाई बाई मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम 1 एटीएम पे कितना होता है 22.4 लीटर, अगर 1 बार रहता तो कितना होता 22.7 लीटर, क्योंकि 1 एटीएम दिया था मैंने उस पर 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे मेरा आंसर मिल गया। कुछ ये ध्यान रखेंगे, अगर 1 बार दिया है तब आप 22.7 लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया सिर्फ एसटीपी लिख के छोड़ा है तो आप हमेशा 22.4 लेके ही आगे बढ़ जाएंगे, कर सकते हैं। तो आज इतना ही, आपको होमवर्क दे देते हैं हम, चलिए आपके लिए 2 होमवर्क हैं, एक ये है और एक ये है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एसटीपी लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर लेके आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पर देखिए 1 बार 273 केल्विन दिया है तो यहाँ पर आप कितना लेके सॉल्व करेंगे 22.7 लीटर, कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।